से दिख रही थी और यहीं पे यहाँ बनाया गया था, मतलब मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ने आया करते थे और अपने फिर जाकर शाह बुर्ज में मुसम्मन बुर्ज में बैठा करते थे। बस उनको 8 साल उन्होंने यही काम किया। और गैस ये है मीना बाज़ार, ये है मीना बाज़ार, ये दिख रहा है आपको, ये दुकानें सी जो दिख रही हैं नीचे की साइड, कैसे यहाँ पर दुकानें बनाई जाती थी और दुकानें तैयार की जाती थी और इसको मतलब मीना बाज़ार बोलते हैं। सो गाइस ये है मीना बाज़ार, ये पूरा देखिए, यहाँ पे मार्केट बना करती थी जो राजा के टाइम में, मतलब अकबर के टाइम में, जहांगीर के टाइम में और तुम्हारे शाहजहाँ के टाइम में, उनके टाइम में मतलब यहाँ पर मार्केट बना करती थी और यहाँ पर दुकानें लगा करती थी। ये मीना बाज़ार बोलते हैं इसको गाइस, ये पूरा मीना बाज़ार है। और इस साइड है गाइस दीवाने खास, ये है दीवाने खास गाइस, ये दीवाने खास है। यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये है दीवाने खास। और ये दीवाने खास है गाइस, मतलब यहाँ पर जैसे कोई मीटिंग होती थी राजाओं के बीच और उनके सैनिकों के बीच, जो भी मतलब उनके और जो गवर्नर होते थे उनके बीच, मतलब कोई भी मीटिंग होती थी तो यहाँ हुआ करती थी। जैसे गर्मी होती थी तो यहाँ पर बंद में करा करते थे गर्मी के टाइम पे, और सर्दी के टाइम पे गाइस यहाँ पर होती थी, मतलब खुले में सर्दी के टाइम में धूप में आराम से धूप, मतलब धूप लेते हुए और यहाँ पर मीटिंग होती थी। और ये दीवाने खास है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है भाई ये भी। और गाइस यहाँ पर है राजा के बैठने की गद्दी, यहाँ पर मतलब राजा बैठा करते थे। देखिए गाइस यहाँ पर मतलब राजा बैठा करते थे, इस जगह पर राजा बैठते थे। और गाइस जो बीच में जो चटकी हुई है, ये यहाँ पर बीच में से टूटी हुई है, तो ये उनके किसी दुश्मन ने हमला किया था तो वो मतलब जो बारूद उसने मारा था, वो बारूद इस पे लग के, और वहाँ सामने एक होल है जो दीवाने खास में, एक होल है गाइस सामने दीवान में, वहाँ पे मतलब लगा था वो बारूद। तो गाइस यहाँ पे बैठा करते थे मतलब राजा, और इस जगह उनके मतलब जो खास मंत्री हुआ करते थे वो यहाँ बैठा करते थे सामने। इस साइड भी एक गद्दी बनी हुई है, वो यहाँ बैठा करते थे। और गैस जी पूरा खुला एरिया सर्दी के टाइम काम आता था दीवाने खास, मतलब कोई मीटिंग होती थी उसके टाइम मतलब काम आता था ये, और गर्मी के टाइम जब धूप होती थी तो वो अंदर साइड बैठ के मतलब दीवाने खास में बैठ के मीटिंग करते थे। सामने आपको दिख रहा है दीवाने खास। और चलते गए आगे, और आगे भी आपको और कुछ दिखाते हैं, आगे भी काफ़ी चीज़ें अभी तो देखने के लिए भाई, बहुत बड़ा है ये पूरा लाल किला, बहुत बड़ा है और काफ़ी चीज़ें हैं देखने के लिए। और गैस ये पूरी साइड में मीना बाज़ार है, इस साइड मीना बाज़ार लगता है। तो गैस अब दिखाते हैं आपको, यहाँ पे है ये क्या लिखा हुआ है देखिए, शाही अम्मा, मतलब ये गुसलखाना है गाइस, ये यहाँ पर मतलब शाही गुसलखाना है जो इस टाइम बंद है, मतलब रानियों के लिए यहाँ पे मतलब वो स्नान करते थे, नहाते थे, मतलब इस साइड भी है ये देखिए दरवाज़ा लगा हुआ है इस साइड भी, तो गाइस बंद है इस टाइम पर, है ना, ये मतलब शाही गुसलखाना है, यहाँ पे शाही मतलब रानियाँ नहाती थी, मतलब उनका गुसल किया जाता था रानियों का, और उनकी दासियाँ थी वो लोग मतलब उनका गुसल करते थे। और गाइस अब चलते हैं आगे, और अभी तो हम मीना बाज़ार में है, और मीना बाज़ार में एक राउंड लगाते हैं। और यहाँ की दीवारें देखिए गाइस, दीवारों पर क्या बढ़िया मतलब डिज़ाइनें बनाई गई हैं, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइनें बनाई गई हैं। और ये देखिए गाइस काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइनें बनाई गई हैं, काफ़ी बढ़िया है, बहुत अच्छी लग रही है। और इस साइड ये पूरा मीना बाज़ार, और चलते गाइस एक राउंड लगाते हैं मीना बाज़ार का, जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको दिखाएंगे। और इस साइड सीढ़ी है, यहाँ से देखिए यहाँ पर पूरा क्लियर दिखता है मीना बाज़ार, बहुत अच्छे। चलते हैं आगे, आगे दिखाते हैं आपको।
और देखिए गाइस इस साइड भी वो दीवार पे जो डिज़ाइन पीछे की साइड बनी हुई थी वैसी ही यहाँ बनी हुई है। और ये सामने रूम खुला हुआ है, शायद कुछ हो, देखते हैं क्या मिलता है। और काफ़ी बड़ा है मीना बाज़ार भाई, बहुत बड़ा बाज़ार लगता होगा यहाँ पे उस टाइम में, राजा के टाइम में। और यहाँ पर लिखा हुआ है नगीना मस्जिद। तो गाइस ये है नगीना मस्जिद, ये है नगीना मस्जिद जो इस साइड है, यहाँ पे जूते उतार के जा सकते हैं। तो अभी हम जूते उतार के जाने वाले हैं नगीना मस्जिद में। गाइस अब चलते हैं मस्जिद के अंदर। और ये देखिए ये मस्जिद का एरिया है इस दर, तो वैसे ही है। और ये है मस्जिद, पता नहीं धूप में कितना ठंड है। देखिए गाइस यहाँ पे मतलब ज़मीन में ही सब बनी हुई है, तब जो सप होती है एक इंसान के फड़ने के लिए नमाज, जो ऐसे करके खड़े हो जाते हैं ऐसे करके, ये सप है पूरी। तो काफ़ी सपें बनी हुई है, ये देखिए जैसे उसको बोलते हैं जानवाज, जानवाज की तरह मतलब पूरा ज़मीन में ही डिज़ाइन बनाई गई है पत्थर से। और ये देखिए गाइस इसके बीच में ये पत्थर लगा हुआ है, ये पत्थर लगा हुआ है, ये कोई कलर नहीं है, ये मतलब पत्थर है, ये पत्थर लगाए गए हैं, ये ब्लैक पत्थर, ये पीला पत्थर है, हाँ पीला पत्थर है ये, और ये ब्लैक पत्थर है। और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रही है मस्जिद। काफ़ी खूबसूरत है। और ये जो मौलाना होते थे जो उनके लिए वो बनाया गया है उनकी नमाज़ पढ़ने के लिए। और गाइस काफ़ी खूबसूरत लग रही है मस्जिद चारों तरफ से। और ऊपर डिजाइन देखिए गाइस, ये दीवार पे जो डिजाइन है खूबसूरत डिजाइन है। ये है गाइस सबसे बढ़िया चीज़ लगी मुझे, मतलब ज़मीन में ही सब बना दी गई है, जो पत्थर के डिज़ाइन थे सब बनाई है, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। जो मतलब एक आदमी एक सप में एक मतलब एक जानमाज में नमाज पढ़ सकता है, जैसे ये जानमाज बनी हुई है इसमें गाइस। और इस साइड देखते क्या है, इस साइड भी पीछे जाने का रास्ता है, मतलब किले में पीछे जाने का रास्ता है ये यहाँ से। और ये देखिए गाइस मस्जिद ज़्यादा बड़ी तो नहीं है पर बनाई बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी बनी हुई है, और बहुत अच्छी बनी हुई है भाई। और इस साइड देखिए जो वजू बनाने के लिए गुलाब जल का पानी चाहिए होता था तो यहाँ से आता था, यहाँ से ये गुलाब जल का, जैसे हमने पीछे दिखाया था व्लॉग में आपको, वैसा ही ये जगह है, यहाँ से ऊपर से वजू बनाने के लिए गुलाब जल का पानी आता था, मतलब गुलाब जल आता था यहाँ से। और यहाँ पर लोग वजू बनाते थे, जो भी नमाज़ पढ़ते थे वो यहाँ वजू बनाते थे। और ये देखिए सामने से ऊपर से कैसी दिखती है मस्जिद, ये देखिए गाइस ये ऊपर जो भी इसमें पीतल वीतल जो भी लगा हुआ है, उस टाइम पे बहुत सोना था तो अंग्रेज़ों के टाइम मतलब इस सोने को चुराया गया गाइस। और गुम्बदें भी काफ़ी अच्छी लग रही है मस्जिद की, बहुत अच्छी है। और गाइस कुछ मस्जिदें बंद है, जैसे मीना मस्जिद बंद है, ये नगीना मस्जिद मतलब खुली हुई है पूरे किले में। और ये शाहजहाँ ने बनवाई थी ये भी मतलब अपने लिए। अब चलते हैं गाइस बाहर और आगे आपको और भी दिखाते हैं, ये गेट है बाहर जाने का, तो चलते हैं गाइस आगे और भी दिखाते हैं आपको। चलिए गाइस तो चलते हैं गाइस अब आगे, आगे इस साइड चलते हैं, देखते क्या है भाई, इस साइड भी कुछ है देखते हैं, नीचे जाना पड़ेगा इसमें, ये साइड बनी हुई है। चलो और यहाँ पे देखते गाइस क्या बना हुआ है। सो गाइस देखिए आगे इस साइड देखिए, ये है दीवाने आम, ये है दीवाने आम, ये भी मतलब वाइट पत्थर से बना हुआ है और रेड पत्थर से इसकी नीचे की साइड बनी हुई है, मतलब बलुआ पत्थर से, जो रेड पत्थर बलुआ पत्थर है वो उससे नीचे का इसके जो चबूतरा है वो बना हुआ है गाइस, ये भी काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे भी गाइस ऐसा ही है कुछ, ये देखिए यहाँ बाहर की साइड जो एरिया पूरा दिखाया गया है, ये इस साइड होती थी मतलब गर्म, यहाँ पर सर्दियों में बाहर की साइड मतलब मीटिंग हुआ
करती थी, और जो सामने यहाँ हुआ करती थी मतलब इसके दीवान आम के अंदर। और गाइस यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर ये अंग्रेज़ों का गवर्नर था, जो अंग्रेज़ों का गवर्नर था उसकी कवर है यहाँ पर। मतलब वो यहीं पे जब अंग्रेज़ों का राज चल रहा था इस पे किले पे, जब उनका शासन था, तो गाइस वो उसी टाइम मतलब ख़त्म हो गया था, उसी टाइम गुजर गया था। तो गाइस उसको यहीं दफना दिया गया, मतलब राजा के आदेश से उसे यहीं दफनाया गया था, अंग्रेज़ों के गवर्नर को। और गाइस यहाँ पर देखिए, चलते हैं दीवाने आम के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ और। और गाइस जी देखिए, काफ़ी बड़ा बना हुआ है ये दीवाने आम, और सामने तो गाइस जी देखिए दीवाने आम भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है ये आपको। ये देखिए गाइस, सामने की साइड जो आपको दिख रही है, यहाँ सामने ऊपर राजा बैठा करते थे। हाँ, सामने राजा बैठा करते थे, सामने अकबर, जो अकबर बैठा करते थे सामने। और इस साइड जो दो खिड़कियाँ दिख रही हैं, एक इस साइड है और एक उस साइड भी है गाइस, जो आपको दिख रही होगी यहाँ से। हाँ, तो गाइस इस साइड से उनकी जो वो थी वाइफ थी, वो यहाँ से मतलब राजा को देखा करती थी, और उनके जो मंत्री लोग होते थे वो पीछे यहाँ पर बैठे हॉल में बैठा करते थे। ये पीछे पूरे हॉल में बैठा करते थे, ये पूरा हॉल दिखाया गया गाइस, यहाँ पे बैठा करते थे। तो मतलब वो भी अपनी मीटिंग में शामिल होती थी, यहाँ बैठा करती थी, यहाँ खिड़की से देखा करती थी, और राजा बैठते थे यहाँ पर, और जो उस टाइम के मंत्री थे वो यहाँ बैठते थे। ये इस पत्थर पे जो दिया गया है यहाँ पे, ये संगमरमर का पत्थर है गाइस, ये देखिए यहाँ पर बैठा करते थे और राजा बैठते थे यहाँ पर। इसमें बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है भाई, राजा यहाँ बैठा करते थे, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है, और काफ़ी खूबसूरत मतलब डिज़ाइनें बनाई गई हैं यहाँ पर दीवाने आम के अंदर। वो गाइस जो आपको व्लॉग में पीछे दिखाया वो था दीवाने खास, और ये है दीवाने आम। और काफ़ी तुम ये देखिए पिलर पे फूल पत्ती देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है पिलर पे, और इस साइड भी देखिए गाइस, इस साइड भी काफ़ी खूबसूरत फूल पत्तियाँ हैं, छत भी कितनी खूबसूरत है इसकी। ये देखिए बहुत अच्छा बना हुआ है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, और काफ़ी बड़ा भी है हॉल। और गाइस जो गर्मी के टाइम यहाँ पर मतलब अंदर हुआ करती थी मीटिंग, और जो सर्दियाँ होती थी तो बाहर कर मीटिंग होती थी, बाहर जो भी मीटिंग है वो बाहर हुआ करती थी, जो धूप में मतलब धूप को भी सेक सके और आराम से मीटिंग भी हो जाए, और गर्मियों में यहाँ हुआ करती थी। तो गाइस चलते आगे, और कुछ भी जो भी होगा वो आपको दिखाया जाएगा गाइस ब्लॉग के अंदर। और चलते गाइस आगे, और भी चीज़ें दिखाते हैं आपको। और यहाँ देखिए स्कूल के बच्चे आए हैं, कितने सारे स्कूल के बच्चे आए हैं जो मतलब यहाँ पे टूर आया है स्कूल का। तो चलते गाइस आगे और आपको और भी दिखाते हैं। सो गाइस ये सामने दीवाने आम हमने आपको दिखा दिया है, ये सामने का जो हॉल दिख रहा है आपको, और ये पूरा एरिया ये दीवाने आम का सामने का एरिया है, और ये सामने पार्क बना हुआ है, हरियाली भी काफ़ी है भाई। जो देखो सामने तो कोई रेड पेड़ लगे हुए हैं, मतलब रेड रेड पत्ते हैं उसके। और गाइस सामने ये दीवाने आम, और चलते गाइस आगे और भी चीज़ें दिखाते हैं आपको। और देखिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कुछ है, जैसे कुआ है, कुआ जैसा है, कुछ कुआ ही लग रहा है मतलब, पर इस पे लिखा है देखो बावली दीवाने आम इस पे लिखा हुआ है गाइस, देखिए बावली दीवाने आम। और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए देखिए गाइस ये अंदर पता नहीं क्या है इसके में, मतलब पानी भरा हुआ है अंदर, पर कुआ जैसा है कुछ, हाँ कुआ जैसा है अंदर। चलते गाइस और आगे, और सामने देखिए गाइस वो सामने जो आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मस्जिद। तो गाइस ये इस टाइम बंद है, और यहाँ जाने की मतलब इजाज़त नहीं है, यहाँ पे जा नहीं सकते हैं। और काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है ये भी। कम पूरे किले में गाइस तीन मस्जिद हैं, एक मोती मस्जिद है, जो मोती मस्जिद बंद रहती है, मीना मस्जिद, नगीना मस्जिद, ये मीना मस्जिद मतलब वहाँ भी नहीं जा सकते हैं, मतलब दो मस्जिदें बंद रहती हैं, और जो नगीना मस्जिद है उसमें जा सकते हो, मैंने आपको व्लॉग में पीछे दिखाया है। और गाइस ये पीछे की दीवार है किले की, और चलते गाइस आगे और भी आपको आगे और भी चीज़ें दिखाते हैं। और मस्जिद वाइट पत्थरों से बनी हुई है, काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है ये भी। तो
चलते गए आगे। और सो गाइस मैंने जो किला आपको दिखाया है आगरे का लाल किला, तो इसके इतिहास के बारे में कुछ बातें मैं बताने वाला हूँ आपको। तो गाइस जैसे एक फरगाना नाम की एक जगह थी जिसके छोटे से राज्य का एक राजा था जिसका नाम था, उनके बेटे थे बावर। उनके बेटे बावर के बेटे थे हुमायूं के बेटे थे अकबर, और अकबर के बेटे थे जहांगीर, और जहांगीर के बेटे थे शाहजहां, और शाहजहां के बेटे थे औरंगजेब। तो गाइस औरंगजेब जो लास्ट वाली पीढ़ी थी उनकी पीढ़ियों की, मतलब जो लास्ट पीढ़ी थी औरंगजेब थे। तो गाइस यहाँ से अकबर ने इस किले की स्थापना की, मतलब अकबर ने इस किले को पूरी तरीके से बनवाया। जैसा किला अब दिखता है ऐसा ही पूरी तरीके से अकबर ने बनवाया। उससे पहले मतलब उनके जो दादाजी थे बावर थे, हुमायूं थे, तो गाइस उन लोगों ने भी मतलब ये जगह थी और यहाँ पर ईंटों का किला बना हुआ था। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं था, जो पत्थर का जो रेड पत्थर का किला जो बना हुआ है लाल किला वो ऐसा नहीं था, और यहाँ पे ईंटों का किला बना हुआ था हुमायूं के टाइम, बावर के टाइम में मतलब। तो गाइस उनके टाइम में ईंटों का किला बना हुआ था। तो कोई 1565 में और तुम्हारे अकबर ने मतलब ये किले की मतलब स्थापना की, और इसको मतलब बलुआ पत्थर से मंगवा के पत्थर और इसको बनवाया। और कोई 1573 में ये किला बनकर तैयार हो गया था। 1573 तक बनकर तैयार हो गया था। 8 साल में इस किले का काम पूरा हो गया था गाइस। तो गाइस मतलब अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब इन पीढ़ियों ने इस किले पर काफ़ी राज किया, और वही मतलब ये चार पीढ़ियां इस किले में काफ़ी रहे और उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम इस किले में बिताया। तो और गाइस औरंगजेब ने अपने पिता को जो मतलब बताते हैं कि अपने पिता को बंदी बना लिया था, मतलब कैद कर लिया था, ऐसा कुछ नहीं था, वो एक नज़रबंद कर दिए थे उन्होंने। और वो नज़रबंद इसलिए किए थे गाइस थे कि वो एक उनका जो शाहजहां ने अपना जो बाइट महल बनवाया था, मतलब ताजमहल बनवाया था, और कुछ टाइम बाद उसी के सामने वो ब्लैकमेल बनवाने की बोल रहे थे, मतलब उसी के सामने ब्लैकमेल बनवाने की बोल रहे थे। और वो औरंगजेब को पसंद नहीं था, मतलब वो बोल रहे थे कि जो हमारे मतलब जो हमारी जनसंख्या है, जिस मतलब जो हमारे सेवा करने वाले हैं, जो उनके सैनिक हैं, जो उनके चाहने मतलब उनके लोग थे, उन लोगों पे पैसा खर्च करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके पिता मतलब और एक ब्लैकमेल बनाए। वो उन्होंने वाइट मेल जो बनाया था वो मुमताज़ के लिए बनाया था, और जो ब्लैक मेल बनाने वाले थे वो अपने लिए बनाने वाले थे साझा। तो गाइस औरंगजेब नहीं चाहते थे कि वो ब्लैक मेल बनाए, क्योंकि पैसा जो भी था मतलब उनके पास, वो खर्च करना नहीं चाहते थे। जो पैसा था वो आवाम के काम आए, इसलिए मतलब वो बोल रहे थे अपने पिता से, औरंगजेब से। वो जब नहीं माने तो उन्होंने कुछ ऐसा किया अपने पिता के साथ कि उनको नज़रबंद कर दिया, और अपने पिता को नज़रबंद कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने अपने पिता को कैद किया था गाइस, कुछ भी मतलब काफ़ी अफवाहें उड़ती हैं कि उन्होंने अपने पिता को कैद किया था, ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने पिता को नज़रबंद कर लिया था, और जो हमने आपको जगह दिखाई थी। और चलते गाइस आगे, और भी आपको गाइस पूरे किले में जो भी चीज़ें थी और जो चीज़ें देखने लायक थी वो चीज़ें हमने आपको सारी दिखा दी हैं। और गाइस अब हो गया टाइम घर जाने का, तो गाइस अभी निकल रहे हैं यहाँ से और अभी पहुँचते हैं घर पे। तो गाइस काफ़ी मतलब मज़ा आया आज के ब्लॉग में, काफ़ी मस्त था। और आप लोग प्लीज़ यार आप लोग ब्लॉग को पूरा देखें और काफ़ी मज़ा आएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और गाइस अब निकलते हैं घर के लिए। गाइस अभी पहुँच चुके हैं घर पर, और गाइस अभी आए हैं, बस मैं शर्ट बदल के आया हूँ। उस शर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी भाई, तो इसलिए मैं उसको बदल के टी शर्ट पहन आया। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक, और गाइस प्लीज़ यार जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरे जो नए ब्लॉग आते हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरे ब्लॉगों को देखें। और गाइस ये ब्लॉग अच्छा लगे आपको, आगरा किला अच्छा लगे, आगरा फोर्ट अच्छा लगे, तो प्लीज़ यार आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट करना, और लोगों को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो। और आज का व्लॉग यहीं तक, तो गाइस अगला व्लॉग जल्दी लेकर आऊँगा। और गाइस खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो।